नमस्कार, मैं मीना लेमिनेस, न्यूज लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों के बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। कुलगाम में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ जारी। वोटर लिस्ट से नाम काटने की झूठी कॉल से सावधान। पीएम मोदी आज आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु जाएंगे। तो अब देखते हैं खबरें विस्तार। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले के केलम देवसर इलाके में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ शुरू। खबर है कि दोनों तरफ से फायरिंग जारी है। इस घटना की पूरी जानकारी मिलना बाकी है। इससे पहले जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ में एक आतंकी को ढेर कर दिया गया था। आतंकवादियों ने कुलगाम के सीआरपीआर कैंप पर ग्रेनेड हमला किया था। हमले में एक जवान घायल हुआ। बता दें कि मारे गए आतंकवादी की पहचान इरफान अहमद शेख के रूप में हुई। बताया जाता है कि इरफान पुलवामा के चकोरा क्षेत्र का रहने वाला था। चुनाव आयोग ने दिल्ली के ऑर्डर को मतदाता सूची से नाम काटे जाने के भ्रामक फोन पर विश्वास नहीं करने की सलाह दी है। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी शनिवार को इस बाबत अपील जारी की है। आयोग ने कहा है कि अज्ञात व्यक्तियों और संस्थानों की ओर से लोगों को बड़ी संख्या में वोटर लिस्ट से संबंधित झूठी कॉल की जा रही है। ऐसी कॉल से सावधान रहने की जरूरत है। चुनाव आयोग ने कहा है कि लोगों को कॉल कर मात्र मतदाता सूची से नाम काटने और उन्हें फिर बहाल किए जाने की पेशकश की जा रही है। मामले में मिली शिकायतों पर कानूनी कार्यवाही की जा रही है। इसलिए किसी व्यक्ति अथवा संस्था की फोन कॉल से लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दक्षिण भारत के दौरे पर होंगे। वे तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में रैलियों को संबोधित करेंगे और परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। उसी तरफ आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने अपने पार्टी कार्यकर्ताओं से पूरे राज्य में विरोध प्रदर्शन करने को कहा है। इस दौरे के तहत वे आंध्र प्रदेश के गुंटूर, तमिलनाडु के तिरुपुर और कर्नाटक के हुबली में रैलियां करेंगे। वे अपने भाषण को किसानों और युवाओं पर केंद्रित रख सकते हैं। खबरों में आज के लिए इतना ही। एमएनएस न्यूज़ की खबर देखने के लिए आज प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।